मैं चश्मों से तंग आ चुका हूं और इसको हटाना चाहता हूं। ये अक्सर सबके दिमाग में एक सवाल आता है जो चश्मा पहनते हैं, और इस वीडियो के द्वारा हम सबको बताना चाहते हैं क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं, और हम अगर मैं हमारे दिमाग में ये सवाल आता है तो अगला क्या करना चाहिए। तो मेरा नाम डॉक्टर आदित्य सेठी है और मैं एक रिफ्रैक्टिव कैटरेक्ट सर्जन हूँ अरुणोदय डेल्टा हॉस्पिटल में, और हाँ मैं चश्मा भी पहनता हूँ। तो मैं इसके बारे में बहुत क्लोजली आपसे बात कर सकता हूँ। नंबर वन चीज़, आप जैसे ये सवाल आपके दिमाग में आता है, पहले आप फाइंड आउट कीजिएगा कि अगर आप एलिजिबल हैं किसी प्रकार के प्रोसीजर के लिए जिससे आपका चश्मा हट जाए। देखिए, रिमूवल ऑफ ग्लासेस लेसिक के द्वारा और लेसिक के भाई बहनों के द्वारा, जैसे स्माइल, सिल्क, PRK या फिर फेमटो आई लेसिक या कंटूरा, उसके द्वारा पॉसिबल है और इसका रिजल्ट बहुत 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 अच्छा होता है। बट इट्स ओनली वेरी सेलेक्टिव फॉर सेलेक्टिव पीपल, मतलब अगर आप एलिजिबल हैं एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के लिए तभी ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, नहीं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। नंबर टू, आप जानिएगा कि आपके एज के मुताबिक ये क्या सही समय है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो मे बी लेसिक और डेफिनेटली कोई भी तरह का प्रोसीजर आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी अभी आपके जो आई है वो डेवलप हो रही है। जिस प्रकार से वो डेवलप होती जाएगी, ये एक मूविंग टारगेट होगा, तो लेजर कामयाब नहीं होगा। अगर हो भी गया तो बाद में नंबर बनने का चांस रहता है। 18 साल से 21 साल से ऊपर थोड़ा एक स्टेज होता है जब तक डॉक्यूमेंटेशन और प्रॉपर टेस्टों के बारे बाद ही हम बता सकते हैं अगर आपके लिए हम ये लेज़र कर सकते हैं नहीं कर सकते। सेकंड चीज़, जानिएगा कि मेरे लिए कौन सा प्रोसीजर ज़्यादा सूटेबल होगा। अगर आपका नंबर लो मायोपिया है या फिर लो हाइपरमेट्रोपिया है तो बेसिक लेज़र्स बहुत अच्छी तरह काम होता है। अगर आपकी कॉर्नियल थिकनेस जो है वो कम हो या फिर आपकी कॉर्नियल स्टीपनेस या फ्लैटनेस ज़्यादा हो तो ये लेज़र्स थोड़ी बहुत क्वेश्चन मार्क हो सकते हैं और आपको बाद में दिक्कतें या ड्यूरिंग द प्रोसीजर दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है बिफोर स्टेपिंग इनटू लेज़र सर्जरी। हाई नंबर्स के लिए ICL सर्जरी, जो हम एक इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस होता है जो आँख के अंदर डाल सकते हैं, जिसको हम EVO या स्टार या फिर केयर ग्रुप या फिर IPCL बोलते हैं, और इन सब के रिजल्ट्स भी बहुत बहुत अच्छे होते हैं जब चोजन फॉर द राइट पेशेंट। क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव लेंस रिफ्रैक्शन या फिर अर्ली कैटरैक्ट सर्जरी हम उन लोगों के लिए करते हैं जो 50 साल से ऊपर ज़्यादा हो, और अर्ली कैटरैक्ट या फिर कोई और रीज़न के बहाने हम उनको ग्लास फ्री भी करा सकते हैं। तो ये एक बहुत मोटिवेटेड पेशेंट के लिए ही सिलेक्टिवली यूज़ होता है। अगर आपकी उम्र नियर 40s है तो आपको जानना ज़रूरी है कि अगर हम लेसिक सर्जरी या कोई और सर्जरी भी करें तो चांस है कि आपको रीडिंग ग्लास या फिर प्रेस बायोपिया, जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो भी हो सकता है। अब आपने ठान लिया है कि किस प्रकार का लेज़र करना है या फिर ICL करना है या फिर रिफ्रैक्टिव कैटरेक्ट सर्जरी करनी है, तो आप जानिएगा कि कौन कौन से पोस्ट ऑप और प्री ऑप प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ेंगे और उसके क्या बेनिफिट होते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग। मैं डॉक्टर आदित्य सेठी हूँ। आई होप मैंने आपके क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत और आंसर किया। थैंक यू।